नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, Redmi Note 5 के यूजर्स के लिए पर बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों MIUI 10.0.4.0 के अपर स्टेबल अपडेट पब्लिकली अपर रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है आज से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि किस तरह से आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या क्या कुछ आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी Redmi Note 5 में आफ्टर दिस अपडेट। कैमरा इंप्रूवमेंट जैसे कि रियर कैमरा, फ्रंट सेल्फी कैमरा और यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड भी अच्छी तरह से यहाँ पर इंप्रूव हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरह से आपके यहाँ पर इस अपडेट के बाद रिव्यू देखने को मिलता है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप यहाँ पर चैनल पे नए हो तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, Redmi Note 5 के लिए पर MIUI 10.0.4.0 का अपडेट यहाँ पर 4 दिन पहले रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका था, लेकिन वो जो पहला अपडेट था यहाँ पर टेस्टिंग रोम अपडेट था। लेकिन दोस्तों, आज से यहाँ पर पब्लिकली यहाँ पर स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको नहीं मिला तो आप जा सकते हैं सिंपल सेटिंग में, और अबाउट फोन में जाने के बाद सिस्टम अपडेट चेक करने के बाद आपको अपडेट मिल जाएगा, तब आसानी से आप अपडेट कर सकते हो। साथ में दोस्तों, इस अपडेट से आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलता है। इसी नवंबर महीने का 1 नवंबर का आपको यहाँ पर एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, जो भी यहाँ पर सिस्टम में फोर्स में जो भी प्रॉब्लम्स थे यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं। कैमरा अच्छी तरह से इंप्रूव हो चुका है, सेल्फी कैमरा स्पेशल फॉर पोर्ट्रेट मोड। और जो भी यहाँ पर सिस्टम में जो भी बग्स थे प्रॉब्लम्स थे वो यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं, मतलब कि सिस्टम में ऑप्टिमाइजेशन मिल चुका है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपडेट कर लिया है Redmi Note 5 में। आपको देख सकते हैं चेंज लॉक आपको क्या क्या देखने को मिलता है। MIUI 10.0.4.0 का अपडेट है, साथ यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 नवंबर का आपको देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों, हम देख सकते हैं बाद में जो भी सिस्टम में प्रॉब्लम्स थे वो यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं, जैसे कि सेकंड सिम कार्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पर डिटेक्ट होने का प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स हो चुका है। मूविंग फाइल्स रिस्टोर का प्रॉब्लम्स था, रिसीव बाय ब्लूटूथ जो कि अदर यहाँ पर सिस्टम के प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों, हम बात कर लिया यहाँ पर कैमरा में, यहाँ पर रियर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा आपको क्या क्या चेंज लोग देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देते हैं स्पेशली यहाँ पर फ्रंट कैमरे में पोर्ट्रेट मोड अच्छी तरह से यहाँ पर इंप्रूव हो चुका है। तो दोस्तों, अपडेट करने के बाद मैंने यहाँ पर फ्रंट सेल्फी कैमरे से यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड से कुछ फोटोज यहाँ पर खींचे, तो आप यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं फ्रंट कैमरा से, जो कि यहाँ पर अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर अच्छी तरह से सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है पोर्ट्रेट मोड में। उसके बाद दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर रियर कैमरा में, तो यहाँ पर रियर कैमरे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फोटोज मिल जाते हैं, वो भी यहाँ पर सैचुरेटेड फोटोज मिल जाते हैं। साथ में रियर कैमरा से आप अच्छी तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, तो रियर कैमरा का जो भी यहाँ पर ऑटो फोकस था वो अच्छी तरह से यहाँ पर इंप्रूव हो चुका है। तो कौन सा भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप अच्छी तरह से यहाँ पर ऑटो फोकस में फोकस कर सकते हैं रियर कैमरा से, और अच्छी तरह से यहाँ पर सैचुरेटेड मोड में आपको अच्छी तरह से क्वालिटी के फोटोज भी मिलते हैं इस अपडेट के बाद। तो दोस्तों, Redmi Note 5 में यहाँ पर रियर कैमरा अच्छी तरह से यहाँ पर इंप्रूव हो चुका है, साथ में यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी पोर्ट्रेट मोड अच्छी तरह से इंप्रूव हो चुका है। और इस अपडेट से मुझे यहाँ पर कोई भी अभी तक यहाँ पर बग्स देखने को नहीं मिले, तो अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया तो जल्दी से इस अपडेट को अपडेट कर लीजिए। आपको यहाँ पर OTA अपडेट मिल चुका होगा, सिस्टम अपडेट आप पर चेक करके अपडेट भी कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, आने वाले नेक्स्ट अपडेट में आपको यहाँ पर रेयर कैमरा में पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल सकता है, तो उसका भी रिव्यू मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बस यही अपडेट देने वाला था कि यहाँ पर Redmi Note 5 में नया अपडेट आ चुका है MIUI 10.0.4.0 चेंज लॉग रिव्यू। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।